मनी मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स पे मैंने ऐसा दिया था 320 पे बाई करना है, एसएल 318 पे है, टारगेट 320 पे है। हमारा गैप कितना था, प्रॉफिट और लॉस अगर गया तो 2 रुपए ही जाएगा, राइट। सो 2 रुपए जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक टिपिकल ट्रेडर कैसे होता है, नहीं तो 3000 से लेके हर दिन 3000 से लेके नहीं तो 4000 5000 इसके बीच में ही होगा हर दिन का टारगेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 4000, ठीक है, 3000 और 5000 का बीच में 4000 लेके चलते हैं एज एन एग्जांपल, ठीक है। कैसे, देखो अभी 4000 टारगेट है तो आपको कितना शेयर्स बाय करना है यहाँ पे। अगर 4000 करने के लिए यहाँ पे देखो गैप कितना था, 320 380, सो टारगेट कितना मिलेगा, 2 रुपए। अगर 2 रुपए इंटू 4000 आपको टारगेट है तो कितना शेयर्स खरीदना है, 2000, राइट। समझ में आया, इस ट्रेड में हमको 2000 शेयर्स खरीदना है क्योंकि 2 पॉइंट्स है हमारा टारगेट। समझ में आया। तो नेक्स्ट, अगर मैंने कुछ दे रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स आएंगे, मैकडॉनल्ड्स भी आएंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये वाला दिया, लेकिन टारगेट हमेशा 4000 ही है हमारा टारगेट हर दिन, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो वहां पे सेल किया मैंने 13260 पे सेल किया, माइनस टारगेट भी 14 रुपीज है, राइट। एसएल भी 14 रुपीज के आसपास होगा, राइट। तो 14 रुपीज को हमको कैसे करना है, ठीक है, 14 × 300 4200 के आसपास हो रहा है। मतलब इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 300 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। देखो समझ में आया ना, से अदानी पोर्ट्स में आपको 2000 हो गया, उसके बाद अगर इस केस में हमको क्या खरीदना है, 300 शेयर्स खरीदना है ताकि हमारा टारगेट 4000 के आसपास हो, ठीक है। वैसे अभी यहाँ पे देखो, आज मैंने मैकडॉनल्ड्स भी दिया फॉर एग्जांपल, ये देखो इसको राउंड फिगर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, 462, ठीक है, 462 टारगेट कितना, माइनस 468। यहाँ पे देखो 6 पॉइंट्स है, राइट, 6 पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट्स, नहीं तो 4 पॉइंट्स ऐसा, ठीक है, 6 पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल, 6 × आपको कितना, 700, तो ऑलमोस्ट 4200। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा यहाँ पे, 700 होगा। समझ में आया, इसे बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग टारगेट होगा, अलग अलग पॉइंट्स होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन हमारा टारगेट कैसे होना चाहिए, सिर्फ 4000 ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 4000 को बात किया तो एज एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे 2000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे देखो 6 पॉइंट्स है, यहाँ पे 6 पॉइंट है, यहाँ पे देखो कुछ 15 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स है, सब कुछ। समझ में आया ना। सो ऐसा मनी मैनेजमेंट होता है, इससे आपको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो हमेशा याद रखो, मनी मैनेजमेंट का यही सीक्रेट है, पॉइंट्स कम है क्वांटिटी ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर पॉइंट्स ज्यादा है डिफरेंस टारगेट, आपको क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको प्राइमरी टारगेट क्या है, 4000, हर दिन आपको 4000 को टारगेट कर रहा है, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन होना चाहिए जो भी मैं ट्रेड लेवल्स देता हूँ। तो आप सब देखा होगा मनी मैनेजमेंट कैसे होता है ट्रेडिंग के लिए, तो बहुत सारे लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन अच्छी तरह से अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाके फिर से वापस वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है मनी मैनेज, बिना मनी मैनेजमेंट का आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इंट्राडे के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे जो अगस्त मंथ का, जैसे हर दिन मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, आज भी दिया था कुछ, राइट, हवेल्स और टीवीएस मोटर, इसमें हवेल्स सक्सेसफुल हो गया, टीवीएस मोटर फेल हो गया, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगस्त महीने का चेक करेंगे, देखो 3 तारीख से मैंने दिया, ये 2 सक्सेसफुल हो गया, 1 फेल हो गया, देखो फेल्यूर रेट देखिए, ये क्या 2 जा रहा है हर दिन, लेकिन सक्सेस साइड में ज्यादा है, राइट, ठीक है। इस महीने में आप क्रॉस वेरीफाई कर सकता है टेलीग्राम चैनल में जाके, किस दिन में हमने कौन सा स्टॉक दिया था, वो सब यहाँ पे रिकॉर्डेड है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे
प्रॉफिट्स निकालेंगे, परफॉर्मेंस क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, हाँ 31 माइनस 14 हो गया, कितना मिला आपको 17. 17 में आपको इनटू जो मैंने मनी मैनेजमेंट में बताया, अगर आपने 4000 का टारगेट कर रहा है महीने, मतलब हर एक ट्रेड में, तो 68,000 मिला आपको, ठीक है, उसमें भी कम कर देंगे, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल इस दिन आया था आप कुछ सिर्फ दो स्टॉक्स को ही ट्रेड किया, यहाँ पे भी दो स्टॉक्स को ही ट्रेड किया, यहाँ पे भी एक निकाल दो, कितना निकाल देंगे हम, 17 सक्सेस हुआ ना, उसमें भी 7 भी निकाल देते हैं, सिर्फ 10 इंटू 4000 आपको 40,000 मिल रहा है, ठीक है, 40,000 मिल रहा है, सॉरी 10 इंटू 4000 एक लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 1.2 होगा, एक लाख का दो ले सकता है ना हर दिन, या तीन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एलिस ब्लू में ज्यादा लेवरेज दे रहा है, अब वहां पे जाके ट्रेड कर सकता है, एलिस ब्लू का अकाउंट है तो, ठीक है. ऐसा आप ट्रेडिंग होता है. आप वैसे भी आपको जून का, जुलाई का, मई महीने का निकालेंगे, वो देख सकते हैं वहां पे, अभी चेक करो, पुराना वीडियोस में भी मैंने बताया, अभी भी चेक करेंगे यहाँ पे कितना हुआ, ठीक है, कि एक तारीख से देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी सक्सेसफुल हो गया, राइट, इंडसइंड बैंक उस दिन 3 सक्सेसफुल हो गया, ACC सक्सेसफुल हो गया, 2 फेल्यूर हो गया, इट्स ओके, फिर एक फेल्यूर हो गया, यहाँ पे देखो 2, 4 एंड 2, उसके बाद कुछ आया नहीं, यहाँ पे फेल हो गया, देखो ये ऑलरेडी गिवन है टारगेट, मैंने गलती किया था, मैंने उस वीडियो भी बताया, अगर आप जाके चेक कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियां होते हैं, वी आर ह्यूमंस राइट, नॉट मिशंस. नेक्स्ट, और ये सक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया, देखो सक्सेसफुल का रेट देखिए कितना हुआ, टोटल 32 सक्सेसफुल हो गया, ठीक है. देखो आप अच्छी तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, 3 से ज्यादा नहीं होगा, अगर 4 मिल गया ना उस दिन में, 3 या 2 या 3 कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक फेल हो गया बस, बाकी सब 3, 2, 4 ऐसा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, हमको मिला 32 टाइम्स हमने सक्सेसफुल हो गया, राइट, और फेल कितना हो गया, 7 हो गया. मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा कितना हमको पैसा मिला है, राइट. मैंने क्या कहा था, ये मनी मैनेजमेंट में टिपिकल ट्रेडर 4000 के लिए टारगेट करते हैं, राइट, 4000 के लिए, यहाँ पे हमको इस महीने में 32 सक्सेसफुल हो गया, 32 इंटू कितना है 4000 मान लेते हैं, 1,28,000 प्रॉफिट मिला हमको, राइट, 1,28,000 याद रखिए, 1,28,000 अगर 7 इंटू 4000 28,000 हो गया, राइट, 1,28,000 माइनस 28,000 कितना हो गया 1,00,000 इस महीने में आप कमाया, ठीक है, कुछ दिन आपने नहीं किया, 4 या इस दिन नहीं किया, आपने लीव लिया, कुछ कभी कभी यू नो कुछ लोग बोल रहे हैं जंप हो जाता है, ठीक है, इसमें से कम आधा कर देंगे ना, क्या जाएगा 50,000 तो मिला होगा आपको, राइट, आपने नहीं किया का इतना सारे में नहीं किया, 50,000 तो मिला होगा, सक्सेसफुल हो गया ना, इस महीने में कितना मिला हमको, एक नोट पैड पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट पैड पे लिख लेते हम, देखिए यहाँ पे 32 सक्सेसफुल हो गया ना, 32 में कितना जाएगा, 32 माइनस 60 सॉरी 32 माइनस 7 माइनस 7 कितना हो गया 25, यहाँ पे 25 इंटू कितना हो गया 25 इंटू 4000 राइट, इंटू 4000 कितना हो गया 1,00,000 राइट, ये कब, जुलाई महीने में, जून पे चलते हैं, वहां पे हमको कितना मिला, ये देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा है, 32 माइनस 7 का मतलब 25 होता है, मतलब 25 इंटू 4000 राइट, वैसा कैलकुलेशन, ठीक है, और जून में कितना हुआ ये भी चेक करेंगे हम, यहाँ पे देखो जून में कितना हुआ, ये जून बहुत वॉलेटाइल रहा ना, फिर भी हमने मीडियम प्रॉफिट कमाया, राइट, यहाँ पे चेक करेंगे कितना हुआ हमको, 25 सक्सेसफुल हो गया, माइनस वो फेल्यूर वाला निकाल देना है हमको, 9 टाइम सक्सेसफुल हो गया, 9 इंटू 4000 राइट, कितना हो गया 36,000, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 9 इंटू 4000 कितना हो गया 36,000 राइट. नेक्स्ट, मई में पूरा नहीं दिया मैं, 7 तारीख से किया होगा, आप फिर से चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं
ये देखिए मई में 7 तारीख से किया ना मैंने शुरू, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल कितना हो, 22 सक्सेसफुल हो गया, 6 फेल्यूर हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22 माइनस 6 कितना हो गया, 16 सक्सेसफुल इंटू 4000, 64000 आपको मिला है, राइट। कितना 16 इंटू 4000 कितना हो गया, 64000। आप पूरा ये कैलकुलेट करके देखिए टोटल कितना होगा, राइट। ये कंसिस्टेंस का गेम है, बहुत लोग समझ नहीं पा रहा है, एक दिन के आना है, गैम्बलिंग करना है, चला जाना है, ऐसे नहीं होता है, बिजनेस की तरह सोचो आप, कम से कम 3 महीना तो करो, तभी आपको पता चलेगा ना। पर आप देखो, आप कोई भी कंपनी का रिजल्ट्स कब आता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है, राइट। इंफोसिस हो, रिलायंस हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब क्या है, 3 महीना करने के बाद ही प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे ना, राइट। तो वैसे भी ये बिजनेस की तरह सोचो, आप एक एंटरप्रेनर है, एंटरप्रेनर की तरह सोचो, एक दिन आया, चला गया, लॉस हो गया, डर गया, प्रॉफिट आया, हवा में उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। अब इमोशनल लेस होना चाहिए, ठीक है। पैसे के ऊपर ध्यान मत दो, जो पैसा कमाने के लिए जो करना है ना उसके ऊपर ध्यान दो, क्या है वो, क्या करना है, मेरा वेबसाइट में आपको ऑलरेडी पता है क्या है वो, रूल प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल टू डॉलर। ये डॉलर को छोड़ दो, पहले इसको इसको एक्सेल होने के लिए ट्राई करो, रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, डिसिप्लिन से कर रहा है कि नहीं, पेशेंटली वेट कर रहा है कि नहीं, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। अब मैंने स्टॉप लॉस दिया, कुछ लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक बहुत सारे लोग हर दिन मुझे बेचता है, ठीक है सर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने सोचा कि ऐसे होगा वैसे होगा, 30,000 लॉस किया, कुछ लोग 20,000 लॉस किया, क्यों वेट कर रहा है, रूल फॉलो करो ना। इतना कोई नहीं बता सकता, मैं फ्री में तो बता रहा हूँ, सीख लो अच्छी तरह से। इसकी वजह से बहुत सारे लोग की वैल्यू नहीं पता है, जो फ्री में मिलता है ना उसका वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि We can't value our parents, you know, everything is coming, we take it for granted. और वाटर का कितना हम वैल्यू करते हैं, और ऑक्सीजन का कितना वैल्यू करते हैं, फ्री में मिल रहा है ना तो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वैसे भी मैं फ्री में दे रहा हूँ ना, ऐसे ही होगा। वैसे भी वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी वैसे बहुत सारे लोग उसको फॉलो करके पैसा कमाया, कुछ लोग उसको टेक इट ईजी ले लिया, इसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ये फॉलो करो अच्छी तरह से, मनी मैनेजमेंट कोई नहीं बताया तो बताएगा आपको, कोर्स में ज्वाइन करो कभी भी नहीं बताएगा मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है ऐसे होता है। आप अच्छी तरह से इसको फॉलो करो, कम से कम 3 महीना तक करो, 6 महीना करो, 6 महीना करो, नहीं तो 1 साल करो, तभी आपको पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग, ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो अभी कितना प्रॉफिट मिला हम देखते हैं, 1 लाख प्लस 36,000 प्लस 64,000, ठीक है 2 लाख मिला। कब से, मई जून जुलाई 3 महीने से, बाई 3 ऑन एन एवरेज करेंगे ना, महीने का आपको 66,000 मिला, ठीक है 66,000 में महीने में 16,000 आपको ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह और से भी चार्जेस यू नो बहुत बढ़ गया ना, 50,000 तो मिला होगा आपको मंथली, 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1 लाख, राइट। ये देखिए ट्रेडिंग करने के लिए एक हर एक बिजनेस का एक रिक्वायर्ड कैपिटल होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उससे कम होगा तो आप नहीं कर सकेंगे, राइट। वैसे भी कम से कम 1 लाख अच्छा अमाउंट है ट्रेडिंग करने के लिए, वो ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक है। 1 लाख आपने फॉलो किया, 1 लाख में आपको कितना मिला महीने का, 50,000, 50% मिला ना, सेम 1 लाख हर महीना यूज कर रहे हैं आप, 1 लाख इन्वेस्ट किया आपको 1,50,000 मिल गया, राइट, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ काट के आपको महीने के कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है, राइट। तो फॉलो करो अच्छी तरह से, आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है आपको पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट्स मैंने 4 महीने का निकाला, देखो 64,000 प्लस 36,000 प्लस 1 लाख प्लस 68,000, 2,68,000, इसमें भी आप 68,000 निकाल दो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ स्टॉक्स में हमने नहीं किया होगा, मिस किया होगा, कभी जंप किया होगा, ठीक है 2 लाख तो मिल रहा है ना, अपना इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख, 1 लाख में 2 लाख कमा दिया 4 महीने में,
ऑन एन एवरेज 50,000 मिला, अगर ऑन एन एवरेज 30,000 भी मिला क्या जाएगा, अगर 1 लाख भी हो गया 4 महीने में, अच्छा स्ट्रैटेजी है ना, आप कर सकते हैं। हर दिन आप टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ज्वाइन करो आपको पता चलेगा, और हर दिन मैं यूट्यूब में उसका लॉजिक एक्सप्लेन करता जाऊंगा, राइट। तो उसको फॉलो करो तभी आपको समझ में आएगा। कुछ लोग ना बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज्वाइन करे लगातार कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है करके सोचेंगे, लेकिन उसके पीछे का जो ये जो भी सक्सेस हुआ ना वो लोग को समझ में नहीं आता है कंसिस्टेंसी की वजह। आपने यहाँ पे ज्वाइन किया जो लॉस हो रहा था कंसिस्टेंसली, तो मैं कह नहीं सकता है ना, अभी और एक महीना देखना पड़ेगा वहां से शुरू करके। तो ट्रेडिंग ऐसा चलता है, ट्रेडिंग ऐसा लो इतना आसानी से पैसा कमाना है तो हर कोई कमाएगा ना, तो पेशेंस रखना चाहिए। जब भी लॉस हो रहा है तो पहला दिन ही लॉस हो गया क्या करेंगे, इसलिए बफर अमाउंट हमेशा आपके पास रखना चाहिए, वर्किंग कैपिटल की तरह काम करेगा, ठीक है, तभी हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, ठीक है। साइकोलॉजी भी आपको चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो और इस महीने का परफॉर्मेंस देखते हैं, मैं सितंबर महीने का, वैसे भी मैंने अगस्त का जुलाई का यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना, राइट, तो आप चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे भी मैंने दिया गोदरेज सीपी, देखो 2 सक्सेसफुल हो गया, 3 यहाँ पे, ये सब आप चेक कर सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कितना आया हमको देखिए, यहाँ पे ये देखो कुछ क्वांग ये 38 सक्सेसफुल हुआ, 17 फेल्यूर हो गया, कुछ हाफ इधर उधर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें 38 माइनस 17, राइट, देखते हैं 38 माइनस 17 कितना हो गया, 17, 38 माइनस 17 21 इंटू 4000, राइट, तो ये देखो 84,000 आया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 21 में, कभी कभी ये 6-6 भी निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स एक ही टाइम पर नहीं कर सकते हैं ना, सो बाकी सब 2, 1, 3 ऐसा आ रहा है वो कर सकते हैं, 6 वो भी निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको 21 में 12 भी निकाल दो, 9 हो गया, तो 9 × 4000 36,000 तो मिला होगा आपको महीने का। अगर वो भी नहीं मिला, 10,000 में नहीं मिला, एक लाख से, तो क्या जाएगा, हर महीना सेम कैपिटल यूज कर रहे हैं ना, तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। वैसे भी मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में बताया ना, तो और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये कितना कमाया, आप देख सकते हैं मई से लेके 64,000 प्लस 36,000 प्लस 1 लाख प्लस 68,000, राइट, प्लस 84,000, सो 3,50,000 हुआ। उसमें भी आधा निकाल देते हैं, 1.2 लाख भी कर देते, 2 लाख भी कर देते, 1.5 निकाल देते, तो कम से कम आपको 2 लाख भी मिला होगा, राइट। सो अगर 2 लाख भी मिला है तो सेम 1 लाख कैपिटल से हमने बनाया 200%, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं हमें। अगर आप सब फ्री टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे ज्वाइन करिए, तो आप प्रो ट्रेडर्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो आप हर दिन ये फॉलो कर सकता है। अक्टूबर का परफॉर्मेंस देखते हैं, यहाँ पे देखो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकता है टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये सक्सेस कितना हुआ, कॉल पॉल 1 फेल हो गया 1 तारीख को, और वैसे भी यहाँ पे देखो इन्फी माइंड ट्री अमराजा बैटरी 5 तारीख को, TVS मोटर सक्सेस हो गया, यहाँ पे सिप्ला फेल हो गया, वैसे भी हाफ फैसल दिया हमने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद हावेल्स TVS मोटर सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे सिप्ला अमर राज, ये देखिए सिर्फ 2-3 या ऐसा कुछ आ रहा है, कभी कभी 4 भी आता है, देखो सक्सेस हो गया 4। यहाँ पे JSW कॉल पॉल, यहाँ पे ग्लेनमार्क इन्फी, यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद BPCL UPL दोनों सक्सेस हुआ, यहाँ पे 4 सक्सेस हुआ, सन टी वी एस्कॉर्ट, इसमें यहाँ पे देखो लूपिन LIC हाउसिंग फिर फेल हो गया, ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया उस दिन, ठीक है। और यहाँ पे देखो बाकी सब, देखो यहाँ तक 2-3-4 ऐसा ही आ रहा है, देखा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो एकदम लास्ट वीक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिला और सक्सेस भी हुआ। इसमें मान लेते 5 नहीं किया तो 3 या 2 किया होगा, उसमें सक्सेस मिल सकता है, 6 भी, 6 को भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखो 44 में कितना हो सकता है, 44, राइट, 44
-18 हमको सक्सेस हुआ 26, इसमें भी -16 कर दीजिए, 10 तो हुआ इनटू 4000, 40000 तो मिल सकता है, अगर वो भी निकाल दे 20000 भी मिलेगा ना, अगर आप कंसिस्टेंट रहेगा तो, क्योंकि वैसे कभी कभी कुछ जंप होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 तो आप पकड़ सकता है ना इधर उधर, ये प्लस में माइनस में, देखो ये लॉसेस बहुत कम हो रहा है, ठीक है। वैसे भी सितंबर का यहाँ पे है ऑलरेडी, मैंने वीडियो के पहले बता दिया, देखो यहाँ पे भी हुआ, अगस्त में भी हुआ, राइट, ये सब देख सकते हैं आप, जुलाई में सब कुछ मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। तो इस महीने का हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमको, 44 माइनस 18 हो गया, इससे 26 सक्सेसफुल ज़्यादा हुआ इंटू 4000, टिपिकल टारगेट है हमारा 1,04,000 मिला, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कितना मिला हमको मई से लेकर अभी तक, 64,000 प्लस 36,000 प्लस 1,00,000 प्लस 68,000 प्लस 84,000 1,04,000, ये देखिए 4,55,000 आपका इन्वेस्टमेंट 1,00,000 अगर मान लिया, 1,00,000 में अगर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट 6 महीने में इसको निकाल देते हैं, अगर 1,00,000 से -3,000 या 3,56,000 भी निकाल देते, तो 1,00,000 से 1,00,000 तो कमाया ना, 6 महीने में डबल हो गया, और 6 महीने में और डबल हो सकता है, राइट। तो जो मुझे आता है मैं आप सबको फ्री में सिखा दिया, ये टेलीग्राम चैनल कोई पेड नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा प्रो ट्रेडर्स, ये देखिए, ये सर्च करने से आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये डेली ट्रेड लेवल्स, उसका लॉजिक भी मैं हर दिन यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ, उसको सब्सक्राइब करने से आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी उसका लॉजिक आप देख सकते हैं, उसके सुबह इसके हिसाब से मैं टेलीग्राम चैनल में जैसे देता हूँ ना, यहाँ पे देखो ट्रेड लेवल्स, यहाँ पे देखो ट्रेड लेवल्स, ऐसा आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका फायदा उठा सकते हैं, ये तो फ्री है, अच्छा लगा तो कर लीजिए, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी ज्वाइन करो, और ये वेबसाइट में भी चेक करो, बाकी सब भी है यहाँ पे, सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल गो ट्रेडिंग है और फ्री ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स का भी है, वर्कशॉप का ट्रेनिंग का भी, वो सब चेक करके आप अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।